देहस्तु सर्वसंघातो जगत् तस्थुरिति द्विधा अत्रैव मृग्यः पुरुषो नेति नेति यत् इतः त्यजन्। आपको पढ़ने को नहीं होता देहस्तु सर्वसंघातो जगत्तस्तु द्विधा अत्रैव मृग्या पुरुषो नेति नेति इत्यत्यजन्। देहस्तु सर्वसंघातो जगत्तस्तु द्विधा अत्रैव मृग्या पुरुषो नेति नेति इत्यत्यजन्। देहस्तु सर्वसंघातो जगत्तस्तु द्विधा अत्रैव मृग्या पुरुषो नेति नेति इत्यत्यजन्। देह इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश सो ऑल क्लास इंग्लिश पूरा फुल क्लास इंग्लिश द बॉडी टू बट सर्वसंगता द कॉम्बिनेशन ऑल 24 एलिमेंट्स जगत सीन टू बी मूविंग तष्टु हु एंड स्टैंडिंग इन वन प्लेस इति दस द्विधा टू काइंड्स अत्र एव इन दिस मैटर मृग्यः टू बी सर्च फॉर पुरुषः द लिविंग एंटिटी द सोल न नॉट इति दस न नॉट इति दस इन दिस वे अदर व्हाट इज नॉट स्पिरिट त्यजन् गिविंग अप। ट्रांसलेशन दीज टू काइंड्स ऑफ बॉडीज फॉर एवरी लिविंग इंडिविजुअल अ ग्रॉस बॉडी मेड ऑफ फाइव ग्रॉस एलिमेंट्स एंड सटल बॉडी मेड ऑफ थ्री सटल एलिमेंट्स। हर एक जीव को दो प्रकार के शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर जो पंच महाभूत से बनता है और एक सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि अहंकार से बनता है जो सूक्ष्म होता है। विद इन दीज बॉडीज हाउएवर इज द स्पिरिट सोल। इन सब शरीरों में आत्मा का निवास होता है। वन मस्ट फाइंड द सोल बाय एनालिसिस सेइंग दिस इज नॉट इट। कर्म के आधार पर हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि आत्मा क्या चीज है और वो क्या नहीं है। दस वन मस्ट सेपरेट स्पिरिट फ्रॉम द मैटर। इस प्रकार से बुद्धि का आधार लेकर स्थूल वस्तुओं को जो भौतिक वस्तु है उसे आत्मा से अलग करने को हमें सीखना चाहिए। परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति विदान का स्वामी गोपाल। एज प्रीवियसली स्टेटेड स्वर्णम यथा ग्रावसु हेमकारः क्षेत्रेषु योगैस्तद् अभिज्ञ आहुया। एन एक्सपर्ट इन द स्टडी ऑफ सॉइल कैन फाइंड आउट वेयर गोल्ड इज एंड वेयर गोल्ड टू बी। तो व्यक्ति कुशल होता है वो जानता है कि स्वर्ण जो है वो कहाँ प्राप्त है और कहाँ पर उसके लिए खोदना है। ही कैन देन एनालाइज द स्टोन एंड टेस्ट द गोल्ड विद नाइट्रिक एसिड। फिर वो निकले हुए पत्थर को कसौटी में उतार कर नाइट्रिक एसिड से स्वर्ण की परीक्षा कर सकता है। सिमिलरली वन मस्ट एनालाइज द होल बॉडी टू फाइंड विद इन द बॉडी द स्पिरिट सोल। इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति को शरीर और आत्मा का अभ्यास करके इस शरीर के अंदर आत्मा है इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। इन स्टडिंग वन्स ऑन बॉडी वन मस्ट आस्क हिमसेल्फ वेदर हिज हेड इज द सोल हिज फिंगर्स आर अ सोल हिज हैंड इज अ सोल एंड सो ऑन। शरीर का अभ्यास करते हुए हमें यह पता करना चाहिए क्या मैं मेरा हाथ हूँ, क्या मैं मेरा शीश हूँ, क्या मैं मेरी उंगलियाँ हूँ। हर प्रकार से धीरे धीरे
सारे भौतिक वस्तुओं को त्याग करके हमें समझना चाहिए कि हम आत्मा हैं. इन दिस वे वन मस्ट ग्रेजुअली रिजेक्ट ऑल द मटेरियल एलिमेंट्स एंड द कॉम्बिनेशंस ऑफ मटेरियल एलिमेंट्स इन दिस बॉडी. देन इफ वन इज एक्सपर्ट एंड फॉलोज द आचार्य ही कैन अंडरस्टैंड दैट ही इज द स्पिरिट सोल लिविंग विद इन द बॉडी. और जब कोई व्यक्ति कुशल बनता है और किसी श्रेष्ठ आचार्य का अनुगमन करता है तो वो समझता है कि मैं शरीर नहीं हूँ और मैं इसके अंदर रहने वाली आत्मा हूँ. द ग्रेटेस्ट आचार्य श्री कृष्ण बिगिन्स हिज टीचिंग्स इन भगवद गीता बाय सेइंग श्री कृष्ण भगवान सबसे श्रेष्ठ आचार्य हैं और अपने भगवद गीता की शिक्षाओं को आरंभ करते हैं. Second chapter of the Shloka. जिस प्रकार से देही आत्मा शरीर की अनेक स्थितियों से गुजरता है, जैसे बालक बाल्यावस्था से युवा अवस्था में और युवा अवस्था से वृद्ध अवस्था में, उसी तरह से मृत्यु के समय आत्मा जो है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है. और जो आत्म साक्षात्कारी जीव है वो ऐसे बदल से ऐसे स्थिति अंतर से भ्रमित नहीं होता. द स्पिरिट सोल पोजेसेस द बॉडी एंड इज विद इन द बॉडी. आत्मा शरीर को ग्रहण कर लेती है और शरीर के अंदर निवास करती है. दिस इज द रियल एनालिसिस. ये सही प्रकार का विश्लेषण है. द सोल नेवर मिक्सेस विद द बॉडीली एलिमेंट्स. आत्मा कभी भी शरीर के पंच महाभूतों से विलीन नहीं होती है. Although the soul is within the body, it is separate and always pure. शरीर में होने के पश्चात भी आत्मा हमेशा अलग रहती है और हमेशा शुद्ध रहती है. One must analyze the soul within the body. One must analyze and understand his self. इस प्रकार से विश्लेषण करते हुए हर व्यक्ति को अपने आप को पहचानना जरूरी है. नेति नेति is the analytical process of rejecting matter. नेति की जो प्रक्रिया है वो किसी वस्तु को नकारने की प्रक्रिया है, टालने की प्रक्रिया है, ना कहने की प्रक्रिया है. By expertly conducting such an analysis, one can understand where the soul is. इस प्रकार से बुद्धि के आधार पर दर्द करने से समझ सकते हैं कि आत्मा कहाँ है. One who is not expert, however, cannot distinguish gold from earth, nor the soul from the body. और जो व्यक्ति इस शास्त्र में कुशल नहीं है वो ना तो पृथ्वी से स्वर्ण को ढूंढ सकता है, उसका फर्क समझ सकता है और ना ही आत्मा का और शरीर का फर्क वो समझ सकता है. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोमिष्टं स्थापितं येन भूतले वंदेहम श्रीगुरो श्रीकलापकमल श्रीगुरो
श्रीमद्भागवत का जो अध्याय है सातवें स्कंद का सातवां अध्याय, इसका शीर्षक है प्रहलाद ने अपने माता के गर्भ में क्या सीखा। बहुत सुंदर अध्याय है। इसकी बातों में इस प्रकार से है कि जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद के पिता जी जो महाअसुर थे असुरवर्य, तो वो जब तपस्या में जाते हैं अपने भाई के मृत्यु के पश्चात, तो समय सारे देवता असुरों पर आक्रमण करते हैं, और क्योंकि उनको उस समय हिरण्यकश्यप का भय नहीं था इसलिए वो आक्रमण करते हैं और सभी राक्षसों को परास्त कर देते हैं। और परास्त करने के पश्चात जो हिरण्यकश्यप की पत्नी है कयाधु, उसका नाम है, उस कयाधु को वो अरेस्ट कर देते हैं और उसको अपने लोगों में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो गर्भवती थी और गर्भवती होने के नाते उसके गर्भ में राक्षस का बीज है, इसलिए उसको भी नष्ट करने के लिए वो उसको ले जा रहे हैं। रास्ते में उनको जान भी मिलते हैं और वो कहते हैं कि इस असहाय माता को आपको कष्ट देना नहीं चाहिए। इंद्रदेव कहते नहीं, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का बीज है, इसलिए यथावकाश जन्म होने पर हम उसका वध कर देंगे। इसका मतलब वो गर्भवती माता की हत्या नहीं करना चाहते। देवता लोग जानते हैं इन तत्व को, सबसे भयंकर हत्या है भ्रूण हत्या जो है, ब्रह्म हत्या से भी बढ़कर है। हाँ, ब्रह्म हत्या को तो तुलसी महारानी को प्रदक्षिणा करके हमारे पास उपाय है कि हम ब्रह्म हत्या से मुक्त हो सकते हैं उसके पातक से, लेकिन भ्रूण हत्या का शास्त्र में कहीं भी ऐसा पश्चाताप करने का विधि नहीं दिया है। ऐसे कहा गया जो भ्रूण हत्या करता है वो कभी भी दिन का सूरज नहीं दिखा दे पाएगा, दिन का उजाला नहीं मिल पाएगा। मतलब क्या होगा, बार बार माता के गर्भ में आकर उसका गर्भपात किया जाए उसका भी। तो फिर दारुमुनि बताते नहीं नहीं, इसके गर्भ में राक्षस नहीं है, इसके गर्भ में भगवान का परम भक्त वैष्णव है, मैं इसे मेरे आश्रम में लेके जाऊँगा और वहाँ पर उसकी रक्षा करूँगा। तो असहाय कयाधु बहुत भयभीत अवस्था में नारद मुनि के आने से उसको बहुत अच्छा लगता है और नारद मुनि अपने आश्रम में उसको लेके जाते हैं और नारद मुनि से वो विनती करती है कि मेरे बालक को मैं प्रसूति नहीं करूँगी, आई विल नॉट डिलीवर हर माई बेबी जब तक मेरे पति जो हैं वो लौट के नहीं आते। क्योंकि उसने 1000 साल तक तपस्या किया ना, ऐसे हाथ ऊपर करके और पैर की छोटी उंगलियों में खड़े होकर 1000 साल तपस्या किया, पृथ्वी में सारा ब्रह्मांड में हाहाकार मचा दिया। तब तक वो बहुत ही चिंतित अवस्था में रही और नारद मुनि ने ये कोशिश किया कि चलो अच्छा मौका है उसे कुछ बोध दिया जाए। तो नारद मुनि उस समय श्रीमद् भागवत का ज्ञान कयाधु को सुनाते हैं और कयाधु के कारण से गर्भ में जो बालक है प्रहलाद वो भी पूरे श्रीमद् भागवत का कहानी सुनते हैं, पूरा बोध मिलता है। क्योंकि यहाँ पर राक्षसों के बालकों ने उनको प्रश्न किया, अब इसके आगे क्या होता है जानते हैं कि प्रहलाद जो है वो पूरे ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं और कयाधु का ध्यान हमेशा अपने पति का लौट के आएंगे, इस अवस्था में भयभीत था इसलिए वो ध्यान लगा नहीं सके उस ज्ञान पर। सब सुना उसने, उस समय बहुत प्रभावित हुई, लेकिन ठीक से बैठ, लेकिन उस ज्ञान को वो ग्रहण नहीं कर सकी क्योंकि उसकी चेतना सही रूप में अवस्थित नहीं थी। इसलिए जैसे वर्षा होती है तो वर्षा में हम लोग छतरी पकड़ते हैं, छतरी पकड़ने से क्या होता है वर्षा की बूंदें हमको छू नहीं सकती हैं। इसी प्रकार से जब सूरज उगता है तो उसका प्रकाश सब पर तमाम गिरता है, लेकिन कुछ लोग बिल्डिंग के अंदर जाते हैं उनको प्रकाश का लगते हैं। उसी प्रकार से जब कथा होगी भगवान की तो सबके लिए वो प्रचुर मात्रा में सेम मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन हर एक के हृदय पर उसका अलग अलग असर होता है। क्यों? क्योंकि हर एक की चेतना जो है अलग अलग होती है, हर एक के अनंतों का विधि है अलग अलग होता है, हर एक की भावना हर एक की चेतना हर एक का भगवान के प्रति जो प्रेम और लगाव आसक्ति अलग अलग होती है। इसलिए सेम ज्ञान सेम कहानी सेम लीला जब सुनते हैं उसका परिणाम हर एक व्यक्ति के हृदय में अलग अलग होता है। तो यही भी कथा होगी शुद्ध पक्ष नारद जी के मुख से, लेकिन प्रहलाद जी उसको ऐसे ध्यान करते हैं जो कि लूटा पैसा पानी को दिया और
क्योंकि उसकी चेतना अचली थी, एक जगह पर स्थिर नहीं थी, इसे पहला हम उसको पूरी तरह स्वीकार कर सकते। उसके बाद में प्रहलाद का जन्म होता है, जब वो माता अपने घर में जाकर जन्म देती है, फिर प्रहलाद को प्रहलाद जी बड़े होते हैं, गुरुकुल में जाते हैं, और गुरुकुल में राक्षसों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, उनके जो पुत्र हैं शंख और अमर दोनों उसको विद्या में आरम्भ करते हैं, और पिता वाले चले जाते हैं कुछ समय के बाद। फिर मैंने जो बड़े प्रेम से अपने बालक के सिर को सुनते हैं और प्रेम से पूछते हैं, बेटा मैंने गुरुकुल में क्या सीखा, तो क्या कहते हैं, साधु मान्ये सुरवर्य नाम। हे असुरवर के पिताजी, वो व्यक्ति मूर्ख है जो संसार में नहीं लगा, उससे सब कुछ त्याग करके वन में जाना चाहिए, भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। उसे तो देखते हैं चंडा रामों को, ये तुमने सिखाया हमको? हमने नहीं सिखाया। अनजान बालक, पता नहीं मेरे शत्रु जो है तुम्हारे अनजाने में, जब तुम जाते हो कुछ विश्राम करने के लिए, तो मेरे शत्रु जो देवता हैं कुछ आके उसको पढ़ाते रहते हैं, ध्यान रखना उसको, अगली बार ठीक से पढ़ा के देता है, दोबारा लेके जाते हैं। फिर कुछ समय बीतता है, फिर लेके आते हैं, समय बड़ी उम्मीद है, पिछली बार पिता को बहुत हुआ था, इस बार माता उसको बहुत बढ़िया सजा सजा कर श्रृंगार करके भेजती है, फूलों की माला पहना कर, अच्छे पिता को क्रोध ना आ जाए उसको देख के। फिर जाते हैं, रोज बिठाते हैं, दुलाते हैं, हाँ प्रेम से पूछते हैं, क्या सीखा बेटा तुमने अभी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वंदनम। नवदा मोती वाले बताते हैं कि हर व्यक्ति को भगवान का पूजन करना चाहिए, श्रवण करने से, कीर्तन करने से, स्मरण करने से, वंदन करने से, पूजन करने से, आत्मनिवेदन करने से, इसके बिना जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। वगैरह का शुभ क्रोध से लाल हो जाते हैं। फिर दोबारा डांटे, फिर वो मामला मांगते कि हमने कुछ नहीं पढ़ाया। तीसरी बार पढ़ाते हैं, हाँ तीसरी बार पढ़ाने के बाद और बहुत सारे श्लोक होते हैं सब विष्णु के भजन के बारे में, और विष्णु कौन है, हिरण्यकशिपु का नंबर वन का शत्रु है, हाँ फर्स्ट नंबर वन एनिमी ऑफ हिरण्यकशिपु इज विष्णु। तो उस समय हिरण्यकशिपु बहुत परेशान हो जाते हैं कि कहीं से कहीं मेरे शत्रुओं ने मेरे बालक का मति भ्रष्ट किया है, तो जाओ उसका वध करो। राक्षस आते हैं, शस्त्र से, अस्त्र से, जल से, अग्नि से, हर प्रकार से वध कर दो। आप सोच सकते हैं छोटा बालक 5 साल का, हाँ भयंकर दिखने वाले शस्त्रों को लेकर लेके आते हैं उसको, पहाड़ से फेंकते हैं, सागर में डुबोते हैं, अग्नि में जलाते हैं, हिरण्यकश्यप के बहन के साथ, हाँ होली का उसको वरदान था कि वो जलाएगी, जला जाएगी उसको तो जलेगी नहीं, उसके साथ जो होगा वो जल जाएगा, वो उसमें लेके जला देते, लेकिन बेचारे जल जाती है, वो प्रहलाद जी बच जाए, क्यों? क्योंकि वरदान ये था कि अगर किसी को सहायता करने के समय अगर तुमको करना होगा तो तुम बचोगी, किसी को मारने के लिए नहीं। वो कह रहा, वो अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं था उसका, क्या वरदान दिलाया था, इसलिए उसका गड़बड़ हो गया। विष मिलाया गया, भाले से भोका गया उसको, क्या नहीं किया गया, हत्ती के पाँव लेने का प्रयास किया, ऐसा भयंकर मारने का जो प्रयत्न है वो किसी का इतिहास में आकर नहीं किया गया, एक छोटे बालक, हाँ बहुत भयंकर तरीके से उसको, हर तरीके से जिससे मृत्यु हो सकती है हर तरह का अपनाया गया, लेकिन चतुर्लाल का कुछ भी नहीं बिगड़ा। सांप के जहाँ पर विषय सांप रखे गए ऐसे गड्ढे में डाला गया, लेकिन सांपों ने उनको काटा ही नहीं, क्योंकि सांप के मन में भी हृदय में परमात्मा है ना, भगवान के रूप में विराजमान है, उन्होंने उनको प्रेरणा नहीं दिया काटने, विष पिलाया तो विष का असर नहीं हुआ उसको, होली का जल नहीं, वो जले नहीं, कोई शस्त्र का कोई प्रेरणा भी नहीं हुआ, पहाड़ से फेंका गया तो भगवान ने ऐसे गद्दी के दरवाजे को पकड़ा, फिर उनके गद्दी में हाथ में, हाँ कुछ परिणाम नहीं हुआ, और हृदय पशु परेशान हो गया, अरे क्या बालक है ये, क्या शक्ति है उसके अंदर, मेरी सबसे बड़ी शक्ति जो है प्रयत्न कर रही है उसको बाहर लाने की, लेकिन वो मुझसे भी बढ़कर शक्तिमान लगता है, तो मैं खुद मार रहा हूँ उसको। थोड़े आगे की बात है, बीच में ये सब मृत्यु का प्रयास करने के बाद भी वो दोबारा स्कूल जाते हैं, आप सोच सकते ना, अभी
आपको इतना डरा धमकाया गया है, हर तरह से मारने का कोशिश किया गया है, फिर भी आप वही काम नहीं करेंगे ना, चलो अभी शांति रखते हैं, अभी इतना कष्ट हो गया तो अभी थोड़ा आराम करो। उसके बाद भी हिरण्यकश्यप के गुरुकुल में जाकर प्रहलाद जी वही बात करना आरम्भ कर देते हैं। और इस बार सारे जो अपने शिक्षार्थी साथ में विद्यार्थी हैं उनको ये विज्ञान सिखाना चालू करते हैं। तो ये कीर्तन करते हैं, प्रवचन करते हैं, जब जब अपने साधु जो है गुरु चंड अमर जो विश्राम करने जाते हैं तब ये बालकों को वैष्णव विद्वान पढ़ाते हैं, भक्ति का साइंस पढ़ाते हैं। हाँ, तो वो बोलते हैं तुम्हें तो कोई सत्संग नहीं यहाँ पर, कोई मान पाव पढ़ा नहीं रहा है, ना कोई भगवान की मूर्ति यहाँ पर तुम उसका पूजन कर रहे हो, कहाँ से ये ज्ञान प्राप्त किया तुमने, यहाँ पर तो कोई सोर्स नहीं है किसी चीज़ का, सब राक्षसी विद्या पढ़ाते हैं यहाँ पर, कैसे शत्रु को मारना चाहिए, कैसे आपका और शत्रु का भेद करना चाहिए, कैसे शत्रुओं का दमन करना चाहिए, स्वार्थ को कैसे बढ़ाना चाहिए, अपने धर्म को कैसे बढ़ाना चाहिए, ऐसा साइंस पढ़ाते राक्षसी विद्या है। खुद को केंद्र स्थान में रखते हुए जीवन को कैसे प्रगति करना है, राक्षसी विद्या पढ़ा रही है। तो आपको ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, तब जाकर प्रहलाद जी कहते हैं, ये कहानी बताते हैं पूरे अपने गुरु भाइयों को कि मेरे माता के गर्भ में नहीं सुना, माता बोल गई मुझे याद रहा और वो साइंस इनको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं राक्षसों के, जैसे बता रहे कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं राक्षसों के दरबार में मंत्री है, ऐसे सबके बालक वहाँ पढ़ रहे थे, बड़े बड़े अफसरों के बालक थे वो, उनको पढ़ा रहे हैं कि आप आत्मा नहीं हो, आप शरीर हो, शरीर नहीं हो आत्मा हो, जीवन का उद्देश्य भगवान विष्णु की पूजन करना है, जीवन का उद्देश्य शरीर को छोड़कर भगवान के धाम में सेवा करना है, ये सब पढ़ा रहे हैं। तो ये श्लोक जो है उसी में आ रहा है, प्रहलाद जी अपने साथ में जो पढ़ रहे हैं उनको बता रहे हैं कि आप कौन हो। और प्रहलाद जी शुद्ध भक्त हैं भगवान के, 12 महाजनों में से एक प्रहलाद जी, और उनके संग से राक्षस कुल में जन्मे हुए जितने बालक वहाँ पढ़ रहे थे प्रतिकूल अवस्था में थे, भगवान के द्वेष के वातावरण में थे, उनके गुरु भी जो थे वो राक्षस थे, फिर भी वो सारे बालक जो है भगवान के भक्त बने, और प्रहलाद की पाठशाला में सब लोग हरिनाम संकीर्तन किया करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ जो है उसका ABC क्या है, उसका ABC एक वस्तु है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। ये बार बार जैसे हम किला लेकर वो हथौड़े से मारते ना, 1, 2, 3, 4 बार बार मारना चाहिए अपने को कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हमारा रिश्ता भगवान से, हम भगवान के अच्छे हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, अपने आप को भगवान की सेवा में जोड़ना हमारा कर्तव्य, ये हमारा ABCD है, इसको समझना बहुत जरूरी है। सुनने के पश्चात भी हम शरीर के आधार पर जीते हैं, शरीर को सुख देने का प्रयास करते हैं, अहंकार को बढ़ाने का, हमको स्तुति अच्छी लगती है, निंदा अच्छी लगती नहीं है, स्वादिष्ट खाना अच्छा लगता है थोड़ा नमक ज़्यादा होगा तो अच्छा लगता नहीं है, पेट भरने के बाद में लगता है कि कब पेट खाली होगा दोबारा खाऊंगा, सेहत सोने को अच्छा लगता है, बहुत आराम करने में बहुत आनंद आता है, तो शरीर को फिर भी भोग देने का प्रयास करते हैं, सुख देने का प्रयास करते हैं, और फिर कथा में सुनते हैं कि हम आत्मा हैं। तो ये आत्मा हम हैं, इसको हमारे जीवन में हमको कृति में भी उतारना चाहिए, और सबसे पहली कृति क्या है, भगवान के नाम का जप। जब ये कृति हम करते हैं तो तुरंत प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक एक क्षण के अंदर हम आत्मा के स्तर पर आ जाते हैं, और आत्मा के स्तर पर आने पर तुरंत ही दिव्य आनंद जो आत्मा के स्तर पर उपलब्ध है वो हमको अनुभव होने लगता है, उसका इंस्टेंटली वी फील ब्लिस ऑफ द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, क्योंकि स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म जो है वो सच्चिदानंद है, चिरंतन है, ज्ञान से भरा हुआ है और आनंद से भरा हुआ है, इसलिए एक क्षण क्यों ना हो जब हम आध्यात्मिक स्तर पर जाते हैं तो तुरंत हमें आनंद का अनुभव, और ये आनंद की स्थिति को बनाए रखने के लिए हमको भगवान की सेवा में और भी कुछ करना पड़ेगा, हो सकता है कि शुरू शुरू में हम दिन भर तक नहीं कर सकते, कुछ समय कर सकते हैं, बाकी समय क्या करना है, प्रपंच करते हैं, धन कमाने के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, परिवार को संभालने के लिए, लेकिन
वो सब कुछ भगवान के अर्पण के रूप में करना चाहिए। अगर हमारे जीवन के कार्य का उद्देश्य भगवान का संतुष्टि नहीं है तो समय एक ही केवल कि हमारा सारा जो मेहनत है वो गधे पर जुड़ी है। हमारे कार्यों को अगर हम भगवान के संतुष्टि के लिए नहीं करते हैं तो ये सब गधे मजदूरी है, क्योंकि उस कार्य से जो भी प्राप्ति होगी वो आपको यहीं छोड़कर जाना होगा। अंत में आपको जाने का समय आएगा तो आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। इसलिए जबकि बाद में हमको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अगर हमारा जो काम है वो अगर प्रत्यक्ष भगवान की सेवा में नहीं है, एक मिनट आपको इसलिए हमारा अगर काम प्रत्यक्ष भगवान की सेवा में नहीं है डायरेक्टली, तो हमें उस काम के बाद में अपने आप को भगवान की सेवा में प्रत्यक्ष लगाना चाहिए। इसलिए हमें उस काम में भगवान को जोड़ देना चाहिए, नहीं तो सेपरेटली जाकर भगवान के मंदिर में सेवा करना चाहिए। जब तक हम अपने इंद्रियों को इसी के ना ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तम, तब तक हमारे आत्मा अनर्थों से मुक्त नहीं हो सकती। हमारी इंद्रिया जो हमारे भोग में लगी हुई है, वो इंद्रिया जब इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश भगवान कृष्ण के सेवा में नहीं करती है, तब तक हमारी आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती। आप भले अपने आप को कितना भी कहो भक्त हूँ, मैं भगवान को विश्वास करता हूँ, मैं मंदिर में जाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन जब तक तुम्हारी इंद्रिया तुम्हारे ही भोग के लिए व्यस्त हैं, तब तक आत्मा की शुद्धि नहीं हो सकती। तब तक भ्रम बना रहेगा कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, ये सब हमें हम लगे रहेंगे। ठाकुर हरदास जी क्या कहते हैं, भगवान को बोल रहे हैं, हरदास ठाकुर आप तो बड़े भक्त हो, आपको देखने मात्र से लोगों का शुद्धि होता है, तो क्या बोलते हैं, भगवान मुझे भ्रम में मत फंसाओ। डोंट प्ले द जगल ऑफ वर्ड्स एंड डू नॉट ट्राई टू एंट्रैप मी इन द इल्यूजन। अभी आगे भ्रम की बातें मत करना, मैं इसमें से कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक तुच्छ व्यक्ति हूँ, मेरा नाम लेने से ही लोगों के अनर्थ बढ़ जाते हैं, लोगों को पाप प्राप्त होता है, जब वो मुझे याद करते हैं। इतना बड़ा महान भक्त है, लेकिन क्या बोल रहा है अपने बारे में कि मेरा नाम स्मरण करना भी पाप की वृद्धि करने वाला है। तो ये स्थिति आने के लिए हमारी इंद्रियां जो है वो नियमित रूप से सतत भगवान की सेवा में लगनी चाहिए, और ये नामुमकिन नहीं है। अगर इतने प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रहलाद इतना धमकाने के बाद भी, हाँ मरे नहीं वो बात अलग है, लेकिन उसको मारने के लिए ले गए ना सब लोग, हम लोग तो भाग जाए कि बोला हरे कृष्ण कुछ नहीं करना है आपको, बस थैंक यू वेरी मच, बात बचाओ आपको, इतना ही बोलेंगे हम, सब कुछ छोड़ देंगे, धर्म छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे। लेकिन प्रहलाद जी इतना भयंकर दंड देने के पश्चात, इतना आतंक को मचाने के पश्चात भी उसके बाद में आकर अपने गुरुकुल के भाइयों को सिखा रहे हैं, कितने निर्भय होंगे, कितनी श्रद्धा होगी भगवान पर, उनको पता है कि दोबारा आना पड़ेगा, दोबारा आने की कोशिश करेंगे, फिर भी वो जगत के कल्याण के लिए सामने वाले बैठे हुए जो गुरुकुल के भाई हैं उनके उद्धार के लिए इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। तो हमको थोड़ा रिस्क लेना चाहिए, हमारा रिस्क क्या है, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा बस, और इतना और रिस्क नहीं हमारे लिए, इतना सारा भोग ले रहे हैं थोड़ा कम हो जाएगा, हाँ हर समय एसी में रहते हैं, थोड़ा जगन्नाथपुरी में गर्मी में रहेंगे, हाँ अच्छी तरह कुर्सी में बैठेंगे गर्म गर्म, अभी की मट्टी में पत्थर में बैठना पड़ेगा, थोड़ी बहुत रिस्क है इसके अंदर, ज़्यादा रिस्क नहीं है, एक आध बार पत्थर पैर बन जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, आत्मा की शुद्धि होगी। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ वहाँ धूप में डोल रहे हैं, क्योंकि भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं, धाम का भाई को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जब करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत तो कष्ट हुआ रिस्क होगी, नो प्रॉब्लम सर, करना चाहिए। और जब तक हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लगती है, तब तक हमारा उद्धार होना नामुमकिन चीज़ है। हाँ हमारी जाति, हमारा स्थिति, हमारे जाति के नियम और बहुत सारे हमारे को बंधन रहते हैं, ज़्यादा भक्ति में आगे बढ़ना नहीं चाहते, नहीं नहीं भी ज़्यादा जाएंगे तो फिर शादी कैसे होगी लड़की की, हमारी ज़्यादा जाएगी यहाँ पर तो पता नहीं उसको लड़का मिलेगा क्या, मांस नहीं खाने वाला, हाँ कितने हमारे मन में प्रश्न होते,
इसलिए भगवान पर हम पूर्ण विश्वास नहीं रखते, प्रत्येक विश्वास जरूर है लेकिन जब समय आता है तो हमें गलती मान लेते तुरंत। ठीक है, श्रद्धा भगवान के ऊपर हमारी है। हाँ हरे कृष्णा, चल श्रद्धा भगवान के हमारे पर, हमारी उन पर श्रद्धा है तो हमको ये विश्वास होना चाहिए कि हमारे हर संकट में वो साथ देंगे। अगर हम सोचते हैं कि भगवान हमें कृपा करें बचाए संकट से तो बचा सकते हैं। हाँ कितने बड़े आतंक से उनके प्रहलाद को बचाए कि नहीं बचाए, कौन बच सकता है? हिरण्यकश्यप जैसे भयंकर राक्षस के आदेश के बाद में कौन बच सकता है? लेकिन प्रहलाद जी बच गए क्योंकि उन्होंने अपना कार्य नहीं छोड़ा, अपना सेवा कार्य जो है उसको बंद नहीं किया, भगवान के नाम के स्मरण को बंद नहीं किया। धमकाया गया उनको कि मेरे शत्रु का नाम मत लेना, वो तो उसका नाम जप रहा है, ले ले रहा है, उसका गुणगान कर रहा है। वो भी सबसे बड़े असुरों के स्वभाव के अंदर असुर वर्य पिताजी हिरण्यकश्यप के सामने कह रहा है कि हे पिता आप दुर्ग हो, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, आपको सब कुछ छोड़ के विष्णु का भजन करना चाहिए। उसके अंदर विश्वास है कि मेरे भगवान मुझे बचाएंगे, अवश्य रक्षेंगे, ये उनकी श्रद्धा है। हमको भी नाम में आकर इस श्रद्धा को प्राप्त करना चाहिए कि भगवान है और हमारा साथ देंगे और हमको बचाएंगे, और अगर मर भी जाऊंगा तो मरने के बाद अपने धाम में लेके जाएंगे। इस विश्वास के साथ भक्त को आगे बढ़ना चाहिए। हाँ रक्षिष्यति इति विश्वास, भक्त को विश्वास होता है कि मेरे भगवान मेरी आंखों को नहीं दिखाई पड़ते होंगे लेकिन वो हैं और मेरी रक्षा कर रहे हैं, हर जगह मेरे पीछे पीछे वो मेरा सहायता कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, उनकी कृपा दृष्टि मुझ पर है और इसीलिए हम सहन करते हैं। क्योंकि अगर हमारे अंदर श्रद्धा की कमी है, विश्वास की कमी है, तो फिर सहन करने से जिसका श्रद्धा आपसे अधिक है उससे हमको श्रद्धा प्राप्त होगी। हाँ इसलिए हम सहन करते हैं, अपनी श्रद्धा को, विश्वास को, निष्ठा को और निश्चय को बनाए रखने के लिए हम भक्तों के बीच में आते हैं। कभी मुंबई में आते हैं, कभी दिल्ली में आते हैं और कभी सबको लेकर धाम में आते हैं ताकि धाम की भी हमको सहायता मिले, विश्वास बढ़े भगवान के ऊपर। कैसे भगवान, अभी आप देखते हैं जगन्नाथ के मंदिर में, देखिए आप कितनी भीड़ है, कभी भी जाओ 5 बजे जाओ 4 बजे जाओ भीड़ रहती, कहाँ से लोग आते हैं, कैसे श्रद्धा आई, चल के आते लोग। हाँ गरीब लोग हैं तो क्या श्रद्धा है भगवान के ऊपर, दीपक लेके आते हैं भगवान को दीपक चलाते हैं प्रेम से, क्यों नहीं भगवान रक्षा करेंगे उनकी, तो श्रद्धा रखता है प्रेम रखता है उसी के तो भूखे हैं वो, उनको क्या जरूरत है इस पृथ्वी पर आने की, बड़ी बड़ी आंखें लेकर यहाँ पर बैठने की जरूरत क्या उनको, उनके भक्त लोग अनंत संख्या में उनकी वैकुंठ में गोलोक वृंदावन में जगन्नाथ के धाम में उसकी सेवा करते रहते हैं। लेकिन कोई भक्त यहाँ पर भी हैं बद्ध अवस्था में हैं या उनके आदेश से यहाँ पर प्रचार करने के लिए आए हैं, तो सबको आनंद देने के लिए परित्राणाय साधना विनाशाय दुष्कृता धर्म को स्थापन करने के लिए आते हैं, और साथ साथ में उनका मेन उद्देश्य क्या होता है, अपने भक्तों की रक्षा करना, अपने लीलाओं को प्रदर्शित करना और भक्तों को आनंद देना, इसलिए वो आते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप को मारना था, क्या बड़ा कष्ट था उनको, हृदय के अंदर जाते खुद जाने की जरूरत नहीं पड़ी, चक्र आप जाओ सूक्ष्म रूप में हृदय में प्रवेश करो और हृदय की जो मेन नाड़ी उसको काट लो, खत्म, कोई बाहर आने की जरूरत नहीं उनको, अंदर के अंदर खत्म होते हिरण्यकश्यप। क्यों उन्होंने इतना नरसिंह का उदाहरण किया, क्यों खंभे में से आए, खंभे को अपनी माता बनाया, खंभे को तोड़ कर आए, इतना भयंकर उन्होंने आतंक दिखाया, सबको क्रोध दिखाया, कुछ देर खिलवाड़ किया, उसके बाद में संध्या के समय जेब खोद में रखा, दो हाथ से पकड़ा, दो हाथ से फाड़ दिया, दो हाथ से उसकी हाथी उतार कर गले में बनाई। हाँ इतना सब लीला क्यों किया उन्होंने, क्योंकि वो भक्तों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मैं हूँ, अगर वो अंदर अंदर काटते तो पता नहीं चलता कि भाई हार्ट अटैक से मर गया कि कैसे मर गया, न बड़ी नाउस इतना इलाज करने का जरूरत क्या है। हम सब लोगों के अंदर जो विश्वास नहीं है वो विश्वास पैदा करने के लिए वो आते हैं और दिखा सकते हैं कि जो वरदान इतना भयंकर मांग के रखा था अपने हिरण्यकश्यप को, नहीं ऐसे नहीं मरेंगे, वैसे नहीं मरेंगे, शस्त्र से नहीं, अस्त्र में नहीं, दिन में नहीं, रात में नहीं, भूमि में नहीं, आकाश में नहीं, जल में नहीं, थल में नहीं, इतना वरदान मांग के रखा था कि कोई मरने का चांस ही नहीं, कैसे मरेगा आदमी, जो देव बना कर रखा ब्रह्मा जी ने उसका तारा नहीं तो उसने ब्लॉक कर दिया,
कैसे भरेगा? लेकिन फिर भी भगवान ने ऐसा रूप धारण किया, ऐसे समय पर ऐसा इस तरह से मारा उनको कि ब्रह्मा जी के एक वर को भी उन्होंने हाथ नहीं लगाया। ब्रह्मा जी का पूरा सम्मान रखते हुए हिरण्यकशिपु को खत्म कर दिया। इसका कारण क्या है? नामुमकिन चीज भी भगवान कर सकते हैं, जो हमारी बुद्धि के लिए नामुमकिन है, एकदम इम्पॉसिबल, लेकिन भगवान उसको बहुत सहजता से पॉसिबल कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा बालक है, सबसे शरीर का कमजोर हिस्सा कौन सा है? बाएं हाथ की उंगली सबसे कमजोर हिस्सा है हमारे शरीर का। तो सबसे कमजोर हिस्से में से पहाड़ को उठाया 7 दिन 7 रात, और इंद्र की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? संभव तक बादल, उससे मुसलधार वर्षा कर रहा है। प्रलय काल की जो बारिश होती है ना, वो बारिश हो रही है, वो बादल पूछ रहे हैं, अरे प्रलय का समय आया क्या? क्योंकि राधा गिरधारी की जय। बादल पूछ रहे हैं कि क्या प्रलय का समय आया क्या? कुछ पूछने का काम नहीं, आगे जाओ, जैसा पूछा वैसे करते जाओ, मैं पीछे से आ रहा हूँ। ऐसे इंद्र भगवान कहते हैं अपनी सबसे बड़ी शक्ति जो है, मैक्सिमम पावर वो लगा रहे हैं, उससे बचने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उससे प्रलय होता है। लेकिन भगवान ने क्या किया? एक पहाड़ को उठाया, प्रलयकारी शक्ति को आसानी से रोक दिया। और 7 दिन क्या हुआ? 700 दिन में खड़े इंद्र में कुछ नहीं होगा, लेकिन 7 दिन के बाद इंद्र को होश आया, इसलिए इंद्र रख दे दीजिए। अगर इंद्र को होश नहीं आता तो वो और 700 दिन पकड़ देते, क्या उनके लिए मुमकिन है? तो सभी ऐसे अनंत पहाड़ जिस पृथ्वी पर रहते हैं, ऐसी पृथ्वी को वो आकर तैरा देने क्या? भगवान क्या नहीं कर सकते? भगवान सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए हमको श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान क्या चीज़ है। हाँ, ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? अरे जितना मैं आपको समझता हूँ उतना मेरे समझ में आता है, लेकिन आपको समझता नहीं। तो मोर अंडरस्टैंडिंग, आई अंडरस्टैंड, आई नॉट अंडरस्टैंडिंग, ये सही ज्ञान है। हाँ, कि भगवान अनाकलनीय है, ये सही ज्ञान है। अचिंत्य है उनकी लीलाएँ, अचिंत्य हैं, कैसे करते समझ में नहीं आता। तो वैसे ही यहाँ पर वो दारू ब्रह्म के रूप में आए। हाँ, बहुत सुंदर कथा है, वो कथा ऐसी है कि हमने आपको कल बताया श्वेत गंगा में कि कैसे ब्रह्मा जी को भगवान ने मार्कंडेय की कथा बताई, और कैसे बताया कि आगे जाकर इंद्रधनुष राजा आएगा, उसको आपको सहायता करनी होगी। तो ये राजा इंद्रधनुष जो यथावकाश जन्म लेता है, भगवान का बड़ा भक्त होता है। हाँ, और उस समय इतना उसको मतलब पूरे विश्व का राज्य उसके पास होता है, चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन उसका जीवन जो है, उसके तन मन, उसकी आत्मा, उसका विचार, उसकी धारणा सब भगवान के लिए, और वो तड़प रहा है कि मुझे भगवान का दर्शन करना है। सोच रहा है कि दर्शन कैसे किया जाए, इस राजपाट का, ऐश्वर्य का, अधिकार का, पावर का क्या वैल्यू है अगर भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। तो हमेशा संतों के संग बैठा है, संतों का सम्मान, संतों का सेवा, संतों के संग में बैठकर उपदेश सुनना। तो ऐसे ही बैठे थे एक सभा में, इसको नींद आ रही है, वो खड़े हो जाओ। हाँ, तो आप कथा में आई जगन्नाथ पूरी कथा आप सुनेंगे। तो वो उस सभा में एक संत बैठे रहते हैं, और वो नीलाचल धाम का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि तो ये पूछ रहे हैं बार बार कि भगवान को कहाँ दर्शन करेंगे। तो संत कहते हैं कि बचपन में मैं जब यात्रा में गया था तो मैं बहुत ही अद्भुत जगह पर गया, जिस जगह को नीलाचल कहते हैं, एक नीला पर्वत है महानदी के दक्षिण में, समुद्र के उत्तर में, और उसमें नील माता निवास करते हैं। वहाँ पर एक रोहिणी कुंड है, जहाँ पर एक बार कौवा गिरा था, तो चतुर्भुज होकर मुक्त होकर वैकुंठ में गया था गरुड़ जी के पीठ पर। तो ये सुनते ही इंद्रधनुष राजा खड़े हो, मुझे अभी जाना है वहाँ पर। तो राजा रुको, पहले आप जगह पर रुके रुंड का। तो वो उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री, तो बोलते हैं कि आप व्यवस्था करो, इस साधु से पूछो बराबर से वर्णन कहाँ पर है, और वो जगह ढूंढने के लिए किसी को भेजो। तो ये मुख्यमंत्री का एक भाई होता है, उसका नाम है विद्यापति। तो विद्यापति को वो तो काम देता है कि आप जाओ। तो विद्यापति इतना प्रेरणा उनको मिलती है कि मैं मेरा जीवन इस जगह को ढूंढने में समर्पित कर दूँगा, निकल जाते हैं। तो बहुत प्रयास करके उड़ीसा में आते हैं, बहुत ढूंढते हैं जंगलों में, और जब वो आते हैं गाँव में भिक्षा करते हैं, तो एक घर में रुकते हैं, वहाँ पर भिक्षा होती है। वहाँ पर एक व्यक्ति होता है ब्राह्मण, उसका नाम है विश्ववासी। हाँ, और विश्ववासी जो ब्राह्मण है वो एक अजीब व्यक्ति होता है, उसके घर में कन्या होती है,
जब पहले वो जाता है कुएं में पानी पीने के लिए तो कन्या उसको पानी पिलाती है, घर में प्रवेश कराती है, भोजन कराती है, तब वो कहते हैं कि मैं इस उद्देश्य से यहाँ पर आया हूँ। तो देखता है कि विष्णुवासु जो है वो रोज रात को अपने घर से स्नान करके निकल जाता है। सवेरे आता है तो उसके पास में ऐसे फूलों की खुशबू आती है उसके शरीर से, दिव्य गंध आती है उसको, और बड़ा प्रसन्न होकर तेज पुंज होकर लौट के आता है। तो पूछताछ करता है, बताते नहीं, यथावकाश, बड़ी लंबी कहानी है, यथावकाश उसको जो कन्या है ललिता उसका विवाह विद्यापति से होता है। तो पत्नी होने के बाद भी पूछते बता दो तुम्हारे पिता कहाँ जाते हैं, तो फिर सीक्रेटली बता दिया कि मेरे पिता जो है पहाड़ पर नील माधव की सेवा करने को रात को जाते हैं। अरे इस उद्देश्य से आया हो, ये तो उद्देश्य है, पर पिता को आप जब विनती करो, पिता मना कर देते, बार बार विनती करते हैं, आखिर में अपनी कन्या के प्रेम के कारण वो विश्व विद्यापति को नील माधव के पास लेके जाने का एग्री कर देते। और ये नील पर्वत जो है वो वही है जहाँ पर जगन्नाथ जी का मंदिर है, हाँ, नीलाचल जो है निराग्री ये वही है और नील माधव भी वहीं पर थे। तो पिताजी कहते हैं ललिता के विश्ववासु कि एक कंडीशन पर आपको लेके जाऊँगा, आपको आंखों को बंद करना पड़ेगा कपड़े से और मैं आपको गोल गोल घुमाऊँगा और फिर ले जाऊँगा, तो वहाँ जाने के बाद ही आपकी खोलूँगा। तो उसकी पत्नी जो ललिता है वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं आपको अपनी धोती में एक ऐसी जगह बना दूँगी जहाँ पर सरसों के दानों में भर दूँगी, और जब मेरे पिताजी आपको गोल गोल घुमाएंगे पट्टी बांध कर और आगे लेके जाएंगे हाथ पकड़ कर, आप अपनी धोती से सरसों के दाने फिरते जाना, यथावकाश उसमें से बारिश होगी तो सरसों के दाने से पौधा आएगा और पीले पीले फूल आएंगे, सारे रास्ते पर वो ऐसा रास्ता बनेगा ना उसका पूरा, तो आगे जाकर आप उसको 3-4 महीने के बाद में अपने आप वहाँ पहुँच सकते हो। तो ये पत्नी के आइडिया के अनुसार दाने डालते जाते आगे जाते हैं पीछे पीछे, और आगे जाकर पहाड़ पर चढ़ने के बाद में उसकी पट्टी खोल देते हैं और साक्षात सुंदर नीलमणि नील माधव का दर्शन करते हैं विद्यापति जी, दंडों प्रणाम करते हैं, रोड़ी कुंड को देखते हैं, उस बड़े बरगद के पेड़ को देखते हैं, वट को देखते हैं, धन्य हो जाते हैं। कहा कि राजा के लिए मैं कुछ सेवा किया, अब मैं लौट के जाऊँगा राजा को बताऊँगा। घर के घर में लौट के आते हैं, वही सुगंध का अनुभव करते हैं जो सुगंध वो रोज़ विश्ववासु के शरीर से अनुभव करते हैं, वो फूल जो है, क्योंकि वहाँ पर उस समय ब्रह्मा जी और देवता लोग जो हैं देवता के धाम में से अलग अलग प्रकार के फूल जो मुरझाते नहीं उसके दिल में खुशबू है, और वहाँ के व्यंजनों से बनाए हुए जो पदार्थ हैं उसको भगवान को भोग लगाते हैं और विश्ववासु देवताओं के साथ में भगवान को पूजा करते हैं। तो रोज़ वो दिव्य प्रसाद लेकर नीचे आता है, तो वो देखते हैं स्वयं कैसे नील माधव जी लक्ष्मी जी के साथ खड़े हैं वहाँ पर। तो घर में आते हैं, लौट कर पैकअप करते हैं, बोलते हैं मैं जाता हूँ और राजा को खबर करता हूँ। बहुत महीने चलते जाते हैं वहाँ पर, तो उस समय कुछ आदर नहीं थे, तो ब्राह्मण तो हमेशा पैदल ही प्रयाग यात्रा करते थे, उनका रथ भी नहीं होती। तो वो राजा जो था ना वो अवंती देश में राज्य करता था जो आज का उज्जैन है, और राजा को खबर होते राजा इतना खुश होता है तुरंत सैन्य को लेकर सबसे बढ़िया सोने की थाली, रत्नों की थाली, रत्न माणिक मोती हाथी घोड़े लेकर बड़े धूमधाम से भगवान का दर्शन करने के लिए निकलते हैं और कहते हैं अवंती देश में जो प्रजा है उनको जो इच्छा है हमारे साथ आ सकते हैं। तो आधा राजा तो निकलता है उनके साथ में सेना के साथ, और जब आते हैं लोग के सॉरी चल रहे हैं उत्तर की ओर, उत्तर पूर्व की ओर नॉर्थ ईस्ट, तो वहाँ पर नारद मुनि बीच में मिलते हैं उनको और नारद मुनि उनके साथ में चलने लगते हैं। तो बीच में बड़ा एक सुंदर मंदिर लगता है, हाँ बहुत सुंदर मंदिर आता है बीच में, तो वो पूछते हैं नारद मुनि उनको कि क्या यही मंदिर है, तो नहीं ये मंदिर वो नहीं है, ये मंदिर भुवनेश्वर का है, श्री शिव जी यहाँ विराजते हैं। हाँ चलो सुन रहे ना, और सुनने की इच्छा है ना, हरे कृष्ण। तो वो नारद मुनि उनको कथा बता दी कि सती तो थी उसके साथ शिव जी का विवाह हुआ, लेकिन शिव जी का विवाह होना सती के घर वालों को पसंद नहीं था, वो कहते क्या बैरागी है, इसके सब राग लगाता है हमेशा, भूत प्रेत जो पिशाच है उनका संग करता है, मशान में निवास करता है, ना घर है ना कुछ महल है ना कुछ धन है, ऐसे ही विरक्त भाव वगैरह हमारी जब की शादी हो रही है, लेकिन सती ने तपस्या किया था शिव जी को प्राप्त करने के लिए, करना पड़ा।
खजाना तो थे ही वो। इसलिए शिवजी जो है अपने इन-लॉज ससुर वालों को जरा खुश करने के लिए अपनी विरक्ति होने पर भी पार्वती के लिए काशी बनाते हैं, काशी शहर बनाते हैं, बहुत सुंदर महल बनाते हैं, उसके अंदर नदियाँ, उद्यान, सुंदर सुंदर फव्वारे बनाते हैं, अच्छे अच्छे खाने के व्यंजन, ऐसे एक दिव्य शहर बनाते हैं। और कुछ देर रहते हैं सब सगवान को बुलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं वहाँ पर थोड़ा सा रिश्ता बनाने के लिए। लेकिन दृढ़ बाबा है ना वो शिव जी, अधिक देर वो भोग में लगते नहीं, वो वापस छोड़ के चले जाते। ऐसे ही उन्होंने एक बार क्या किया था, शिव जी महाराज ने अपने पत्नी के लिए आकाश में एक शहर बनाया था, आकाश में हवाई जहाज एक शहर था उनका, आकाश में घूमने वाला, उसमें हजारों प्रासाद थे, उसमें हजारों दासियाँ थी सोने के अलंकार पहनी हुई, और हजारों व्यंजन बनाते थे वहाँ पर साधुओं को भोग लगाते थे। तो एक दिन उसी आकाश के प्रासाद में उन्होंने सब साधुओं को बुलाया भोजन करने के लिए, जितने विश्व में साधु हैं, और खाना तो बना रही अन्नपूर्णा देवी बना रही सती देवी, सब संत लोग आते हैं, और खाने के बाद वो दक्षिणा देनी पड़ती है, कि साधु बोलता है सबको दक्षिणा देना, कुछ कुछ देते रहते दक्षिणा सोना चांदी, जो उनका बहुत पावर है शिवजी के पास, खुद खुद भोगने लेते हैं। एक साधु बोलता है कि दक्षिणा में तुम्हारा एक महल हमको दे दो, तो शिवजी महाराज आनंद से प्रकाश को बोलते हैं पूरा आकाश का महल जो है दे देते हैं, फिर जाके बैठते हैं कैलाश। ऐसे है शिवजी महाराज, तो कुछ देर पत्नी के लिए रहते हैं वहाँ पर, फिर काशी राज को ये काशी का राज जो है वो सुपुर्द करके फिर अपने लोग के पहाड़ पे आते हैं भगवान पर ध्यान करने। तो काशी राज जो है उसका एक मित्र होता है पौंडरक राजा, पौंडरक का एक प्रॉब्लम होता है, पौंडरक अपने आप को भगवान समझता है, उसको लगता है कि मैं वासुदेव हूँ, और जो द्वारका में बैठा है वासुदेव वो नकली है, इसलिए उसको बड़े गर्व के साथ उसको कहते हैं इल्यूजन, भ्रम उसको कहते हैं, अपने आप को भगवान समझता है। हाँ, तो वो नकली दो हाथ जोड़ लेते हैं अपने, और एक हाथ में शंकर चक्र पद्म गदा रखते हैं, और भगवान को संदेश भेजते हैं द्वारका में कि असली वासुदेव मैं हूँ और तुम नकली हो, और तुमने मेरी ही कृपा से मैंने तुमको हाँ कर दिए, मतलब मैंने अनुकूलता दिखाई है, इसलिए तुम यहाँ पर धारण करके बैठे हो, बेहतर ये होगा, हरे कृष्णा, बेहतर ये होगा कि ये जो शस्त्र तुम्हारे हैं शंख चक्र पद्म गदा मुझे लौटा दो, मैं तो मुझसे युद्ध करो, मैं तुमको वध करके रहूँगा और तुमसे सब छीन लूँगा। जब ये संदेश पहुँचता है द्वारका नगरी में राजसभा में, तो भगवान और सारे जो यादव हैं वो बड़ा खा खा मार के दिल भर के हंसते थे, वाह ऐसे भी कोई व्यक्ति है जो हमें बताता है कि हम आप नकली हो और हम सत्य हैं। तो युद्ध में आते हैं भगवान, बड़े हंसते हंसते मतलब इतना उनको हंसी आती है, हंसते हंसते रणांगण में आते हैं और देखते हैं रणांगण में काशीराज हाँ और पौंडरक जो है चार हाथ ऐसे, उन्हें मैं अभी जा रहा था कैसे लगूंगा हमारे को ना उसको नहीं गिरना चाहिए इधर, तो उसकी वो रूप को देख के सब लोग रणांगण में हंसते हैं, वो जोर से हंसते हैं, अरे कैसा आदमी है इतना, मतलब इतना उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि वो भगवान को देख रहा है लेकिन भी खुद को भगवान समझ रहा है, बोल रहा है कि भगवान तुम्हारे हाथ में जो मुझे दे दो मेरा है। तो भगवान कहते हैं लो तुमने हमको संदेश भेजा था ना कि चक्र जो है उसको लौटा दो, ले लो उसको, सब भेजते हैं उसको, और चक्र जो है उसका सर काट कर कवर कर देता है, और काशीराज का सर सर काट देता है, तो काशीराज भी भगवान के साथ मतलब पंडित के साथ में भगवान पर हमला करता है ना, तो काशीराज का भी सर कटता है, और भगवान ऐसा बाण चलाते हैं कि काशीराज का सर जो है वो हवा में उड़कर काशी में जाके गिरता है, अगर लोगों को पता चले कि भगवान राजा जो है उसका बदल चुका है, और ये बाण भगवान मानते हैं वो चक्र जो है दोनों के सर काटकर काशी को जलाकर भस्म कर देता है, जितने प्रासाद है जितने भी उद्यान है जितने भी ऐश्वर्य है सबको जलाकर राख कर देता है, और चक्र लौट के आता है, और चक्र जलाने के पहले आकाश से ऐसा सुने बहुत सुंदर शीश जो है सुंदर मुकुट पहना हुआ अलंकार पहना हुआ मुख जो है वो जाके गिरता है, सब लोग खुशी से भाग भाग के आते हैं कि हमारे राजा से उनका वध कर दिया, चलो उसका शीश देखने हो जाते हैं, बहुत देर देखते हैं आनंद बनाते हैं, फिर देखते हैं गौर से देखते तो हमारा राजा कैसे कर दिया, बहुत दुख कर रहे हैं उतने में चक्र आ रहा था बस कर देगा। तो उसका एक पुत्र होता है काशीराज का, उसका नाम है सुदक्षिण, उसको बहुत गुस्सा आता है, वो राजा चुनकर अपने हाथ में लेकर राजा बनता है और तपस्या करता है, फिर दोबारा शिवजी की तपस्या करता है,
सारे असुर जो है ना वो उनके लिए एक ही व्यक्ति है शिव जी, सब उनकी तपस्या करते हैं, अवतार मानते हैं, क्योंकि वो बड़े आसानी से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनका नाम क्या है? आशुतोष, बड़ी आसानी से प्रसन्न होने वाले। तो सुदर्शन जो है वो यज्ञ करता है शिव जी के आदेश के अनुसार, पहले तपस्या करता है, शिव जी को प्रसन्न करता है और गुरु मांगता है कि मुझे कृष्ण को मारने का कोई सबक, कोई ऐसा तोहफा दिखाओ। तो शिव जी कहते हैं कोई चिंता मत करो, जब तुम शिव जी पर आक्रमण, कृष्ण पर आक्रमण करोगे, मैं नंदी और मेरे सेना पर तुम्हारे पीछे चलूंगा, और मैं यज्ञ करना और यज्ञ से दक्षिणाग्नि नाम का ये राक्षस पैदा हुआ, तो नाम है दक्षिणाग्नि, यज्ञ के रूप में प्रकट हुआ। तो यज्ञ करता है शिव जी के आदेश के अनुसार, तो बड़ा भयंकर राक्षस उत्पन्न होता है यज्ञ के अग्नि से, बहुत चौड़ा लंबा लाल लाल आके और राख की तरह उसके बाल होते शरीर के, बहुत भयंकर होता है। उसको सुदक्षिण आदेश देता है, जाओ द्वारका नगरी को जाओ और ध्वंस कर दो और हमारे शत्रु का वध कर दो। तो जैसे ही द्वारका में आता है हाहाकार रहता है, अरे द्वारकावासी माताएं और बड़े बड़े बच्चे सब डर जाते हैं। तो भागवत के भगवान के महल में आते हैं और बताते हैं कि आतंक हो रहा है, तो भगवान शांति से बोलते हैं कोई चिंता नहीं, मैं अभी इसका इलाज करता हूँ, और अपने चक्र को भेजते हैं, और चक्र को भेजते हैं, चक्र जो है उष्णता है, हजारों सूर्य का प्रकाश उष्णता और शक्ति है उसके अंदर, अभेद्य शस्त्र है भगवान का। लेकिन इस बार क्या करता है सुदक्षिण जो है वो अग्नि से, अग्नि जो तक मानो तो अग्नि से वो द्वारका को भस्म करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए शीत ज्वार यानी कि जो ठंडा करने का जो अस्त्र है वो चक्र भेजते हैं, और उस अस्त्र के प्रभाव से ये बिल्कुल जो गर्म उष्ण राक्षस है वो एकदम ठंडा हो जाता है, वो कुछ कर ही नहीं पाता है, एकदम क्या करें उसको निष्क्रिय हो जाता है, निष्प्रभ हेल्पलेस हो जाता है, तो उसको लौट के जाना होता है। अभी तांत्रिक विद्या में एक नियम होता है, अगर आप उस तंत्र से किसी को उत्पन्न करते हो शस्त्र को अस्त्र को राक्षस को, अगर वो प्रभावी नहीं होता है लक्ष्य को मारने में, तो जिसने उसको छोड़ा है उसको आप लोग मार देता है, तो ये लौट के जाता है और जो यज्ञ को बैठा है दक्षिण उसी को मार देता है इस तरह से वो खत्म हो जाता है। अभी शिव जी ने वादा किया था ना, तो शिव जी के पीछे चक्र लगता है, तो शिव जी ने वादा किया जाओ वैसे करो वैसे करो वैसे करो, तो चक्र जो है वो शिव जी के पीछे लगता है, तो शिव जी चक्र के भय से भागते हैं, भागते भागते बाद द्वारका में आते हैं और भगवान की शरण लेते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत पापी हूँ, बहुत पतित हूँ, कि मेरा संग जो है इसकी वजह से मेरी मति जो हमेशा भ्रष्ट होती रहती है, फिर आप के चक्कर में मैं फंसते रहता हूँ हमेशा, मुझे आपका संग चाहिए, कृपा करके आप मुझे आश्रय दीजिए। तो भगवान शिव जी की भावना से प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि हम आपको आश्रय देंगे हमारे ही धाम के बाहर, महानदी के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में मेरा दिव्य धाम है नीलाचल, वहाँ पर मैं निवास करता हूँ, उसी के आसपास पास में एकदम एक आम्र वन है, यहाँ पर बहुत सुंदर उसका वर्णन शास्त्र में दिया है स्कंद पुराण, कितना वैभव संपन्न ऋषभ की संपत्ति के साथ समृद्ध ऐसा वो वन था, तो वहाँ पर आप निवास करोगे और आपको सब लोग भुवनेश्वर महादेव के रूप में पहचानेंगे, और मेरे धाम में आने के पहले लोग आपके धाम में जाएंगे, आपका दर्शन करेंगे, आपका प्रसाद प्राप्त करेंगे, और फिर वो मेरे धाम में आने का फल प्राप्त करेंगे, ऐसा वरदान देते। तो भुवनेश्वर महादेव की कथा ये कथा है। तो राजा इंद्रदत्त जो है कथा सुनते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और शिव जी को प्रणाम करते हैं, उनको पूछते हैं, तो शिव जी प्रसन्न हो उनको दर्शन देते हैं और शिव जी उनको बताते हैं कि आप आगे जाइए, आपको भगवान का जरूर दर्शन होगा। लेकिन राजा जी को बाजू में लेते हैं राजा इंद्रदत्त महाराज को आगे करके और कहते हैं कि नील माधव जी अदृश्य हो गए हैं, उनका अभी मुझे कोई दर्शन नहीं है, लेकिन राजा को पता नहीं, क्योंकि ये मुझे पता है कि आगे जाकर द्वितीय परार्ध में भगवान दारू ब्रह्म के रूप में अवतरित होने वाले हैं, इसलिए इंद्रदत्त जा रहे हैं, उनको निराश मत करना। बीच में राजा एक भाग वहाँ पर आता है राजा इंद्रदत्त को मिलने के लिए, फिर उड़ीसा को और भी एक नाम है उत्कल देश कहते हैं उसको, फिर राजा आता है, स्वागत करता है राजा का, इंद्रदत्त का सत्कार करता है, लेकिन लोगों को कहना है आपको बताना मुझे ये है कि आप जिसके लिए ढूंढ ढूंढ के आ रहे हैं यहाँ पर वो यहाँ से अंतर्धान हो गए हैं, इतना बड़ा तूफान आया था यहाँ पर, इतनी बड़ी आंधी आई थी कि हमारा सब राज्य जल गया, सब भस्म हो गया उसमें,
नष्ट हो गया सब, और उस सब तूफान की हवा में पता नहीं दिन माधव कहाँ अंतर्धान हो गए। तो इंद्रगुप्त राजा जो है जीवन भर प्रयास कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं कि अब मेरे जीवन का क्या उद्देश्य, मैं क्यों जीऊँ, जिनका दर्शन प्राप्त करने के लिए मैं लगा ही था वही अभी नहीं रहे। फिर उनको लगता है अरे अचानक हो, फिर नारद मुनि आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको तो पता होगा कि भगवान अंतर्धान हुए, फिर भी आपने मुझे बताया नहीं, और इतनी दूर से मेरे साथ चलते चलते इस सफर में आ रहे हैं आप, मेरा पूरा सफर आपने व्यर्थ करवाया। तो नारद मुनि कहते हैं मैं जानता जरूर था, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि नील माधव के अंतर्धान होने के पश्चात भगवान आने वाले हैं, और जब बाजू में जाकर शंकर भगवान जाने क्या बताते हैं, तो कहते हैं यथा अवकाश सब सही जगह पहुँच जाएंगे आप, तो राजा इंद्रदम्न से 100 अश्वमेध यज्ञ करा लेना और उसके पश्चात उनको भगवान का दर्शन होगा। नारद जी बताते हैं आपके जाने के पश्चात भुवनेश्वर महादेव ने मुझे बताया था कि आपको 100 अश्वमेध यज्ञ करने हैं और उस 100 अश्वमेध यज्ञ करने के पश्चात भगवान आपको दर्शन देंगे, और यज्ञ करने के लिए जो वेदी है, यज्ञ की जो जगह है, संतों को रहने का निवास वगैरह है, मैं विश्वकर्मा के पुत्र को बुलाऊंगा और उसके हेल्प से बहुत कम समय में आपके लिए राज्य बनाऊंगा पूरा, जहाँ पर आपके राज्य मतलब गांव बसाऊंगा आपके लिए, जहाँ पर ये कार्य हो सकता है। तो विश्वकर्मा का पुत्र जो है वो 4 दिन के अंदर सारे संतों का निवास बनाता है, यज्ञ कुंड बनाता है, ऋषि मुनि आते हैं, सबके लिए यज्ञ की सामग्री जोड़ देता है, और राजा इंद्रद्युम्न 100 अश्वमेध यज्ञ करता है। जब 100 का यज्ञ चलता रहता है तो रात को राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न आता है, और स्वप्न में क्या देता है कि कारण उदरशाही महाविष्णु सागर में लेटे हुए हैं, अनंत शेष उनको शैया दे रहे हैं, ऊपर से छत्र भी दे रहे हैं अपने हजारों मन से, लक्ष्मी देवी उनके चरण दबा रहे हैं, और लक्ष्मी देवी और महाविष्णु बड़े ही प्रेम से राजा इंद्रद्युम्न को निहार रहे हैं, तो राजा इंद्रद्युम्न उसके शरीर में रोमांच होता है और नींद जागता है, भाग के नारद मुनि के आगे मिलता है कि मैंने ये बहुत सुंदर स्वप्न देखा है, वो स्वप्न में सबसे जो प्रभावकारी वस्तु थी वो ये थी कि भगवान मेरी ओर इतने प्रेम से निहार रहे थे, क्या अर्थ है इसका। तो वो कहते हैं कि आपने 100 यज्ञ अभी पूरे होने जा रहे हैं, इसके फल के स्वरूप भगवान ने आपको ये बताया है कि मैं अभी आऊँगा। तो उसके बाद में आकाशवाणी होती है कि दूसरे दिन समुद्र से हम प्रकट हो जाएंगे, भगवान प्रकट होंगे, देवता लोग वाणी करते हैं, और उसी समय जो वाणी हो रही है गांव के लोग और साथ साथ जो यज्ञ में आए हुए थे मेहमान हो गए सब लोग राधा बिंदारी भगवान की जय, महाप्रभु की जय, इतने मेहमान लोग आए हैं, संत लोग आए हैं, इतने राजा वहाँ बैठे हुए हैं, और जो देश में रह रहे वहाँ के जो निवासी जो है भाग भाग के समुद्र की ओर से भाग भाग के आते हैं, और समुद्र की ओर से बड़ी दिव्य खुशबू आ रही है, जो लोग वहाँ से भाग के आ रहे हैं उनके उसके जगह जगह वो खुशबू आ रही है, और सब लोग बोल रहे हैं आइए महाराज आइए आइए, समुद्र में कोई दिव्य वस्तु प्रकट हो गई है। नारद जी कहते हैं ये भगवान का संकेत है, आपके स्वप्न का अर्थ यही है। तुरंत राजा जो है हाथी घोड़े सब लेकर सेना लेकर भेद वस्तु लेकर हेरे मोती लेकर समुद्र की ओर भागते हैं, और जिस समुद्र में अभी हम बैठे थे उस समुद्र के बीच पानी में एक बड़ा दिव्य प्रकाश नजर आता है। तो जब देखते हैं गौर से तो उस प्रकाश कहाँ से आ रहा है, एक दिव्य जो पेड़ है वहाँ पर प्रकट हो गया, उस पेड़ पर शंख चक्र पद्म का चिन्ह है, और नारद मुनि कहते हैं ये महाविष्णु का एक केश है जो पेड़ के रूप में प्रकट हो गया। तो फिर वो बहुत एक्सपर्ट लोग समुद्र में प्रवेश करते हैं और उस दिव्य पेड़ को बाहर निकाल के लेके आते हैं, लकड़ी के पहियों में उसको रखते हैं और एक जगह पर लेके आते हैं जिसका नाम आगे जाकर पड़ा महावेदी। अभी जैसे लकड़ी आई तो इंद्रद्युम्न राजा ने पूछा कि अभी इसको कैसे क्या करना है इसका, तो कोई बात नहीं विश्वकर्मा जी आएंगे और इसको मूर्ति बनाएंगे। तो विश्वकर्मा जी आते हैं बड़े बूढ़े व्यक्ति की तरफ और वो कहते हैं कि मैं इसकी मूर्ति बनाऊंगा। तो इंद्रद्युम्न बहुत खुशी होती कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, मतलब ऑटोमेटिकली सारा व्यवस्था भगवान ने बना दिया, तो उसको श्रद्धा होती है कि भगवान ने जो वादा किया भगवान पूरा करें। तो विश्वकर्मा जो होता है उसकी कंडीशन होती है, वो कहते हैं कि मैं 15 दिन के अंदर इसको बनाऊंगा,
लेकिन बंद कमरे में बनाऊंगा और मेरे शस्त्र जो मैं लेके आया हूँ हाँ उसके आवाज़ किसी को आने नहीं चाहिए। तुमने मेरे जो मूर्तिशाला है उसके बाहर आपको बहुत संगीत बजाना है, वाद्य बजाने हैं, तो किसी को मूर्ति बनाने का आवाज़ नहीं आना चाहिए। कमरा बंद रहेगा और मुझसे कोई नहीं, किसी को मिलना नहीं, आप ही नहीं मिलेंगे। 15 दिन के बाद जब मूर्ति बनेगी तब मैं वहाँ आऊँगा। घर कोई बात नहीं, बहुत सिंपल कंडीशन है। वाद्य बजाते बजाते चालू कर देते, राजा पहुँच के आता है, आगे पीछे घूमता है, हाँ उसको उत्सुकता है ना कि अभी जीवन भर उसकी प्रतीक्षा की है वो भी प्रकट होने वाले। लेकिन कहता है कि नहीं, उसने बताया है कि अगर मुझे डिस्टर्ब करेंगे तो मैं अंतर्धान हो जाऊँगा। अगर कोई व्यक्ति दरवाज़ा खटखटाएगा तो उसी वक्त मैं अंतर्धान हो जाऊँगा और जैसी मूर्ति रहेगी वैसे ही आपको लेनी पड़ेगी। एक दिन जाता है, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, 10 दिन गुजरते हैं, 14वां दिन होता है, 15वें दिन में तो उसकी जो उत्कंठा है वो इतनी तेज होती है तो अपने आप काबू में रखता नहीं। कहता कि जो मूर्तिकार था बड़ा बूढ़ा था, पता नहीं भोजन नहीं किया, विश्राम नहीं किया, कुछ आवाज़ नहीं आ रही है अंदर से, क्या हो रहा है, क्या जीवित है कि मृत हो गया। इस चिंता से और उत्कंठा से दरवाज़ा खोलता है तो जो शिल्पकार है वो गायब है और मूर्ति जो है ऐसी खड़ी है, आधे हाथ बने हुए हैं, पैर तो बने नहीं है, तक चेहरा तो ऐसे भी बनाना बाकी है। दोबारा राजा जो है बेहोश होकर गिर जाता है। अरे मैं कितना मूर्ख व्यक्ति हूँ, भगवान ने वादा किया था कि मैं आ रहा हूँ और मूर्तिकार ने बताया था कि 15 दिन के बाद मैं अपने आप प्रकट हो जाऊँगा और बताऊँगा भगवान की मूर्तिकार ने, लेकिन मैं इतना मूर्ख और इतना मेरे मुझे अपने इंद्रियों पर काबू नहीं, इसलिए मैं अपने भगवान को दोबारा छोड़ रहा हूँ। फिर नारद जी वहाँ प्रकट होते हैं और कहते नहीं, ये मूर्ति पूरी हो चुकी है, इसी रूप में भगवान को प्रकट होना था। तो ये जो मूर्ति बनी हुई है, तीन विग्रह बने हुए हैं, ये जगन्नाथ जी, बलदेव सुभद्रा जी, इनको आपको स्थापन करना है। Thank you.
Come on.